का सुनना हो ने क्या किया, उसके आगे के पैर बांध दिए। पैर सब बुद्धिलाल मानखेड़ा, बुद्धिलाल योगेश उनके पुत्र हैं और हेश उनके पुत्र हैं। इन लोगों ने उनके आगे के पैर बांध दिए। पैर बांध दिए तो वो गाय चलने की कोशिश करते थे, उससे उसके पैरों में घाव हो गए। जब उसके पैरों में घाव हो गए तो उसमें कीड़े पड़ गए सर। जब कीड़े पड़ गए तो वो उन्हीं की जगह पर गिर गई और लाचार हो गई। तो सर उसको मार पीट के लाठी डंडों से हमारे प्लाट में, हमारी जमीन में डाल गए। जब हम लोगों ने आपत्ति जताई कि क्यों मार रहे हो, मेरे प्लाट में क्यों डाल रहे हो, तो सर हमारी माँ को बुरी तरीके से पीटा और हम लोगों की बेइज्जती की और हम लोगों को भी जलील किया, मारा बहुत सर। हमारे जमीन में कितने निशान बने हुए हैं सर, हमारे सारे अंग को घायल कर दिया, मेरे फेस को भी घायल कर दिया सर। सर इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ न्याय हो और उस गाय के लिए भी न्याय मिलना चाहिए। उसका पुलिस ने शिकायत की सर, जो मैंने एप्लीकेशन लिख के दी उसको उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। और फाड़ने सर मैं उनका नाम तो नहीं जानती लेकिन चेहरे से वाकिफ हूँ, मैं उनको पहचान सकती हूँ। जी सर जी सर फाड़ दिया, बोले कि ये गलत है, इस तरीके से एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है, जबकि मैंने उसमें अपनी पूरी आप बीती लिखी हुई थी। हाँ, मानखेड़ा गाँव में एक मृत गाय थी, उसको किसी के दरवाजे के सामने बैठी थी तो वो उसको दूसरे के दरवाजे के सामने ले आ करके उसको बांध दिया। और उस गाय की स्थिति ये थी कि रात में वो बीमार भी थी, रात में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस बिंदु पर भी जांच किया जा रहा है, मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है। इसमें विवेचना से अगर पशु कुलता अधिनियम की स्थिति आती तो वो भी धारा लिख करके कार्रवाई की जाएगी।